मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है, पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पूरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है